हेलो एंड वेलकम टू खाना मुबारक। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जो मुंबई के बेस्ट प्लेसेस टू हैव कबाब्स, जो मुंबई में अलग अलग जगह पे हमने जो ट्राई किया कबाब, चाहे वो चिकन के हों मटन के हों, तो मुंबई में कहाँ आपको बेस्ट मिलते हैं, तो जानने के लिए देखिए कंप्लीट वीडियो और ज़रूर सब्सक्राइब करके टैप करिए बेल आइकन। तो इस वक्त हमारा पहला स्पॉट है, बहुत ही फेमस और एक आइकॉनिक स्पॉट है, जो हम जा रहे हैं नागपाड़ा की तरफ। तो यहाँ पर देखिए महालक्ष्मी रेस कोर्स है। तो हमारे मुंबई का जो सफ़र था, यहाँ पे देखिए फेमस मराठा मंदिर का जो थिएटर है, हम जा रहे हैं नागपाड़ा। नागपाड़ा एक ओल्ड नेबरहुड है मुंबई का, जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे ईटरीज मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। तो हम जा रहे हैं रेजा एंटरप्राइजेस। रेजा एंटरप्राइजेस को आप जानते होंगे, उनका फेमस नाम है वो है सारवी। तो सारवी में हम जाएंगे और उनके कबाब ट्राई करेंगे। यहाँ पे देखिए एक हिस्टोरिकल चीज़ हमको जानने को मिली, और ये है रेजा एंटरप्राइजेस। इसको आप इजीली मिस कर देंगे अगर आप नए फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो रेजा एंटरप्राइजेस देखने से आपको समझ जाना चाहिए कि ये सारवी का फेमस रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे इनके कबाब्स बहुत फेमस हैं, तो हम वही कबाब यहाँ पे ट्राई करेंगे। इनका ऊपर रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पर आप कम्प्लीटली एक रेस्टोरेंट सिटिंग में आप खा सकते हैं। और यहाँ पर ये ऑन द गो है, तो यहाँ पर देखिए इनके बहुत सारे नॉनवेज आइटम्स हैं, लेकिन हमको ट्राई करना है इनके कबाब्स। और ये ईरानी रेस्टोरेंट है, तो ईरानी स्टाइल के जो कबाब्स होंगे, जो मटन के चिकन के, यहाँ पे देखिए ये जो चिकन के जो ईरानी कबाब हैं सीख हैं, वो हम ट्राई करेंगे, चिकन मटन एंड दी बफेलो मीट वाला। तो ये हम आज ट्राई करेंगे यहाँ पे और देखेंगे इनका जायका। इनकी प्राइसिंग भी एक मिड लेवल प्राइसिंग है इनकी, एकदम हाई फाई प्राइसिंग नहीं है, अच्छी प्राइसिंग है, गुड टेस्ट एंड यूनिक कबाब एक्सपीरियंस। तो ये है सारवी, अभी हम वेट कर रहे हैं, ये इनका अंदर का सेटअप है। और यहाँ की एक और एक ख़ास बात ये है कि ये अपने कबाब सर्व करते हैं पुदीना के साथ, जो मिंट लीव्स होते हैं वो आपके टेबल पे रखे जाते हैं, लीव्स, मिंट लीव्स। यहाँ पे देखिए हमारे आ चुके हैं चटनी, प्याज, नींबू और मिंट लीव्स, जो पुदीने के पत्ते होते हैं वो आ चुके हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जब आप खाते हैं तो एक कबाब का टेस्ट यूनिक, और ये जो पुदीने के पत्ते डाइजेशन के साथ साथ एक यूनिक टेस्ट देते हैं, वो भी मस्त लगा मुझे। तो अभी हम वेट करें हमारे कबाब्स का। हमने यहाँ पे चिकन के सीख कबाब मंगाए हैं, मटन के मंगाए हैं। मटन के कबाब हैं ₹80 ईच, ये मटन का है। तो ये देखिए कैसा है ये, तो ये इनका टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त होता है। यहाँ पे एवरी नॉनवेज एंड कबाब लवर शुड, दिस इज़ अ मस्ट ट्राई, मस्ट विजिट रेस्टोरेंट। और ये यहाँ पे चिकन के और बफेलो मीट के रखे हैं, तो जो ईरानी स्टाइल में बनते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये चिकन का है, तो ये बहुत ही अल्टीमेट कबाब्स थे। और साथ ही साथ जो आप पत्ते एक एक पुदीने के खाते हैं, बहुत ही लाजवाब टेस्ट इसका, बहुत ही मस्त। और हमने एंड में हमने एक ईरानी चाय भी मंगाई है। तो ये हमारा पहला स्पॉट है मुंबई का सारवी, जहाँ पर आप कबाब्स ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ अ रिकमेंडेड मस्ट ट्राई प्लेस, और यहाँ पर बहुत फेमस है ये नागपाड़ा में। जब आप ढूंढेंगे इस रेस्टोरेंट को, आपको नाम दिखेगा रेजा एंटरप्राइजेस, विच मीन्स दैट इज़ द सारवी रेस्टोरेंट। तो इनके बहुत ज़बरदस्त कबाब हैं, अल्टीमेट जायका। तो ये हमारा पहला स्पॉट है मुंबई का, इसके बाद में भी हम अलग अलग जगह पे जाकर ट्राई करेंगे, उसमें से एक हर एक जगह की एक यूनिक चीज़ मैं आपको बताऊँगा जो हमने ट्राई करी मुंबई के। हमारा जो सफ़र था उसमें ये कबाब्स का ये वीडियो, इस वीडियो में मैं आपको कबाब के प्लेसेस दिखाऊँगा मुंबई के। तो ये एकदम पतली चटनी, पतली से थोड़ा ज़्यादा कंसिस्टेंसी है चटनी की, और ये पुदीने के पत्ते एक मस्त आइडिया बोलूँगा मैं, या इसका एक जायका है पुदीने पत्तों का। साथ में साथ आप कबाब खाते जाइए और पुदीने के पत्ते को चबाते जाइए, इट्स अ मस्ट ट्राई फॉर ऑल दी कबाब लवर्स। और इनके ये ईरानी स्टाइल कबाब्स हैं, तो बहुत ही मस्त लगा हमको। जो सारवी रेस्टोरेंट है ये डिमटिमकर रोड नागपाड़ा जंक्शन के पास है, और ये 1968 में शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक ये कबाब के जायकों को लोग इसको लुत्फ उठा रहे हैं। तो ये सीख कबाब यहाँ पे बहुत फेमस हैं। तो ये है जो बफेलो के कबाब्स भी हैं और ये चिकन के हैं, तो ये सभी यहाँ के सीख सोते हैं, सभी सब मस्त हैं, मस्त और अल्टीमेट। तो ये हमारा पहला स्पॉट है इस वीडियो का, तो प्लीज़ एंटर देखिएगा, आपको और दूसरे जायकों के बारे में भी पता चलेगा। अगर आप जा चुके हैं ऑलरेडी तो हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। ये चिकन का है, चिकन को भी अच्छे मसाले में बनाया गया है, और जो उनके मटन और के जो कबाब जो सीख थे वो बहुत ही अच्छा मैरिनेटेड हुए थे, और अच्छा मस्त रोस्ट जो ग्रिल किए गए थे सीख पे, बहुत ही मस्त थे।
तो ये एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे इनकी बिरयानी भी फेमस है, इनकी जो पाया होता है बहुत सारे, ये सुबह में खुलता है तो एज़ अ ब्रेकफास्ट ऑप्शंस भी बहुत इनके पास है। तो दिस इज़ द सारवी रेस्टोरेंट विच वी ट्राइड ऑन अ मुंबई विजिट। सो दिस इज़ दी, मैं बोलूँगा कि मुंबई के मस्ट विजिट फूड प्लेसेस में से एक डेफिनेटली है ये सारवी रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे देखिए, ये बफेलो के एक ईरानी स्टाइल में है, एक नॉर्मल स्टाइल में है। तो ये दोनों भी अच्छे थे, एक थोड़ा स्पाइसी था और एक थोड़ा कम स्पाइसी था, बट इट वाज ओवरऑल अ गुड सीख कबाब्स। तो हमारा मेजर इंटेंशन यहाँ पे आने का ये था कि हमको यहाँ पे सीख इनके ट्राई करने थे। तो दिस वाज अ डेफिनेटली अ वर्थ विजिटिंग सारवी रेस्टोरेंट इन नागपाड़ा जंक्शन। तो इसको हम ख़त्म करेंगे यहाँ के जायके को चाय के साथ, जो ईरानी चाय होती है। तो इस ईरानी चाय के साथ हमने हमारा जो सारवी का जायका जो है ख़त्म किया। अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा सेकंड स्पॉट जो हम कबाब के लिस्ट में है। तो ये सारवी रेस्टोरेंट है, ध्यान रखिएगा कि इसका नाम आपको रेजा एंटरप्राइजेस यहाँ पे मेंशनड है। तो ये सारवी रेस्टोरेंट है, तो ये नागपाड़ा जंक्शन में है। एक बिजी रोड है, ट्रैफिक दोनों तरफ, इसके पीछे और आगे ट्रैफिक होता है रोड पर। दिस इज़ दी पॉइंट। अब तो चलते हैं आगे। तो ये देखिए, ये नागपाड़ा का एरिया है। अभी मैं आपको लेकर चलूँगा मोहम्मद अली रोड। मोहम्मद अली रोड जो एक फेमस एरिया है, मनीष मार्केट और बहुत सारी यहाँ की बिजी मार्केट्स हैं। तो यहाँ पे हमको एक जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, एक होटल है वहाँ पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, रास्ते पे जायके मिलेंगे आपको, एक अलग ही वाइब मिलेगा कम्प्लीट नॉनवेज फूड के लिए और स्वीट्स के लिए। एक ज़बरदस्त एरिया है, हर चीज़ मिलेगी। तो हम पहुँचे हैं उस्मानिया होटल। तो यहाँ के चिकन कबाब देखिए 94.4। तो यहाँ के कबाब भी हमको अच्छे लगे और ये चीप, क्योंकि ये मार्केट एरिया में है। आप मार्केट में अगर कुछ ख़रीदारी करने आते हैं तो आपने लिया सामान कहीं पर, आपने नाश्ता दोपहर का खाना या डिनर किया, फिर आप निकल गए अपने दूसरे कामों के लिए। तो ये उस्मानिया होटल है। यहाँ की जो बिरयानी के जायके हैं वो भी अच्छे हैं और आपको इकोनॉमिकल प्राइस में यहाँ की मटन बिरयानी भी आपको मिल जाएगी और यहाँ का टेस्ट भी अच्छा था बिरयानी का। और यहाँ पर देखिए, सबसे पतली चटनी मैंने यहीं पर देखी, जो कि है हरी मिर्च के तीखी और धनिया के टेस्ट के साथ, हरा धनिया। तो ये इसके साथ सर्व की जाती है चिकन कबाब के साथ। चिकन कबाब भी अच्छे थे, अच्छे बनाए थे। और ये है मोहम्मद अली रोड। तो ये हमारा दूसरा जायका था, उस्मानिया होटल जो मोहम्मद अली रोड में है। तो ये फेमस एरिया है। तो अब चलते हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट में जो मोहम्मद अली रोड में ही है, पटेल फूड कॉर्नर। तो यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ का जो तंदूरी चिकन होता है, तंदूरी चिकन जो कबाब होता है, बहुत ही अल्टीमेट होता है। तो ये हमारा तीसरा जायका है, पटेल रेस्टोरेंट विच इज़ ऑल्सो एट डी मोहम्मद अली रोड। तो यहाँ पे इसकी प्राइस कंप्लीट, एक फुल तंदूरी चिकन की प्राइस 420 रुपए है फुल प्राइस। तो आप ले सकते हैं तंदूरी चिकन, जो पूरी मुर्गी होती है। तो ये भी मस्त थी। यहाँ पे देखिए, इसको सर्व करते हैं हरी चटनी के साथ और प्याज और नींबू के साथ। तो यहाँ पे देखिए कैसे रोस्टेड है, और ये हमको मस्त लगी। इनकी बिरयानी भी अच्छी होती है, और यहाँ पे एक बिरयानी अगर आपको खानी है तो यहाँ की बिरयानी की एक ख़ास बात ये थी कि वो आलू दलकर बनती है, जो कोलकाता स्टाइल बिरयानी होती है आलू वाली। आलू एकदम ज़बरदस्त टेस्टी होता है वैसी बिरयानियों में, क्योंकि जो आलू पूरे मसालों का टेस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब हम इसको नींबू डालकर ऊपर से टेस्ट करेंगे। तो ये हमारा तीसरा जायका है कबाब का इन मुंबई, विच इज़ दी पटेल रेस्टोरेंट, पटेल फूड कॉर्नर। तो ये भी एक बिजी प्लेस है, क्योंकि ये जो मोहम्मद अली रोड की कम्प्लीट एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे मार्केट्स हैं, जो हर एक एरिया की एक हर एक चीज़ की एक होलसेल मार्केट है यहाँ पे। मनीष मार्केट, क्रॉफर्ड मार्केट, भिंडी बाज़ार, अब्दुलरहमान स्ट्रीट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमको थोड़ा एक्सप्लोर करने मिला, तो हमने यहाँ के फूड भी थोड़े देखे। तब हमको पता चला कि पटेल रेस्टोरेंट में हमने एक बार डिनर किया था, तो यहाँ पे इनका जो तंदूरी आइटम होता है ये बहुत ही मस्त होता है, चटनी के साथ लगाकर आप खाते हैं इसको, बहुत ही अच्छा होता है, मस्त होता है। सो दिस इज़ अ थर्ड स्पॉट, बेस्ट कबाब प्लेसेस इन मुंबई, बॉम्बे के बेस्ट कबाब के प्लेसेस, जहाँ आप कबाब ट्राई कर सकते हैं जब भी आप मुंबई विजिट करें। तो अगर आप मुंबई में रहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं कि और कौन से अच्छे अच्छे जगह हैं, और अगर आप इन जगहों में आ चुके हैं तो हमें बताइए कि और कौन सी चीज़ यहाँ पे अच्छी है। तो इंशाल्लाह हम अगले टाइम आप ट्राई करेंगे। तो ये चटनी भी मस्त थी, ये तंदूर का आइटम तो ज़बरदस्त था ही। दिस वॉज दी स्टोरी ऑफ टेस्ट एट दी पटेल फूड रेस्टोरेंट। इसके बाद हम चलेंगे हमारे अगले जायके की तरफ। आपको अगर हमारे जो वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी कि घंटी के अकाउंट को टैप करें। घंटी के अकाउंट को जब आप टैप करते हैं तो वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशंस होता है, तो आप वो
ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। तो ये था पटेल रेस्टोरेंट का जायका। और आप बढ़ते हैं हमारे चौथे और आखिरी जायके की तरफ, जो कबाब का जायका है। तो ये हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप करें। मैं मुंबई, गोवा और बेंगलोर के खाने के वीडियोज़ डालता हूँ, तो ज़रूर चेकआउट करिए। हमारा चौथा और आखिरी जायका है पैरामाउंट रेस्टोरेंट, जो पैरामाउंट रेस्टोरेंट है माहिम में। ये मुझे, मैंने ऐसा सुना है कि ये 50 साल पुराना रेस्टोरेंट है और यहाँ के एक अलग जायके, एक यूनिक चीज़ है यहाँ पे, मैं वो दिखाऊंगा आपको। यहाँ का जो कबाब है ये 10 रुपये का एक कबाब है। आई कुडंट बिलीव इट इनिशियली, बट जब हमने वहाँ पे जाके देखा और ऑर्डर किया, बिरयानी भी है ज़बरदस्त वहाँ पे, मैं बोलता हूँ उसके बारे में आपको आगे। तो ये जो कबाब है 10 रुपये को एक है, तो यहाँ पे इसमें कबाब में मटन का टेस्ट भी मिलेगा आपको, मसाले भी अच्छे हैं ये। तो दिस इज़ टोटली, मैं बोलूँगा कि मैंने कहीं नहीं देखे 10 रुपये में, जो चाहे वो कितने भी कैसे भी होते हों, तो इतने कम 10 रुपये में मैं मटन कबाब पहली बार ट्राई किया हमने पैरामाउंट रेस्टोरेंट में, जो कि माहिम में है, जो माहिम का रेस्टोरेंट है ये। तो यहाँ पे हमने कबाब ट्राई करे और यहाँ की बिरयानी भी हमने ट्राई करी। तो बिरयानी के जो जायके थे, यहाँ पे आपको मटन बिरयानी हाफ अच्छी खासी आपको 100 रुपये में मिलेगी। तो ये एक वैल्यू फॉर मनी और इकोनॉमिकल रेस्टोरेंट है। एट द सेम टाइम टेस्ट ऑल्सो इज़ गुड अलॉन्ग विद द क्वालिटी। सो दिस इज़ द चीपेस्ट मटन कबाब वी हैड एवर। तो ये मुंबई का, यहाँ पे देखिए बिरयानी, मटन बिरयानी, ये तो ये चिकन बिरयानी है, मटन बिरयानी भी यहाँ की मस्त है, एक मस्त आप खा सकते हैं। आप 200-250 में एक बिरयानी के साथ साथ दूसरे जायके भी आप ट्राई कर सकते हैं। 200 रुपये में एक आदमी यहाँ पे अच्छी तरीके से मल्टीपल चीज़ें खा सकता है इस पैरामाउंट रेस्टोरेंट में। तो यहाँ के जायके अच्छे थे, मुख्तलिफ जायके थे। और ये हमारा चौथा स्पॉट है कबाब का इन मुंबई। तो हमारी जो जर्नी थी मुंबई की, और यहाँ जब आते हैं पैरामाउंट में, तो इनका कस्टर्ड ट्राई करना ना भूलें। तो ये था हमारे आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बेस्ट कबाब प्लेसेस वी ट्राइड इन मुंबई। तो ज़रूर लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ, खाना मुबारक, खुदा हाफिज़।